हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज इस वीडियो में देखेंगे हिमालय के रिनालका सिरप के बारे में, जो कि हिमालय वेलनेस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। और ये आपको मार्केट में 152 रुपये का मिल जाएगा। 200 ml का जो सिरप रहता है बॉटल, ये आपको पेशाब में जलन है, पेशाब कम आता है, पेशाब या रुक रुक कर आता है, या पेशाब बार बार होता है, पथरी है, तो ये सबके समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो हम इसके देखेंगे कि हिमालय का क्या होता है रिनालका सिरप, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें इसके यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कौन से प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डोज कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए ये देखेंगे, और प्रिकॉशन देखेंगे, मतलब सावधानियां लेने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन सावधानियाँ बरतना होता है, देखना होता है। तो दोस्तों, अगर हिमालय के हम रिनालका सिरप के बारे में बात करें कि क्या होता है, तो एक आयुर्वेदिक सिरप होता है जिसमें कि आपको हेल्थ सप्लीमेंट के तरफ भी काम करता है। इसमें जो होता है आपको पेशाब में करते समय अगर दर्द या जलन करने की मदद करता है। इसमें सूजन रोधी एंटी इन्फ्लामेटरी भी गुण पर मौजूद होता है। इसमें एनाल्जेसिक भी, एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक जो होते हैं, सूजन कम करने वाला भी होता है, म्यूकोसा जो रहता है उसको शांत करता है, और जलन जो होता है उसको कम करने में मदद होता है दोस्तों। यह शरीर में पीएच को जो मेंटेन करने का काम करता है, और जो है इसको किडनी में जो रक्त के प्रवाह को सही से करता है। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके। तो दोस्तों, अगर हिमालय के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें कि रिनालका सिरप में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स होता है, तो इसमें होता है एस्पारगस होता है, इंडियन सरसा पेरिला होता है, नट ग्रास होता है, स्मॉल कैल्टोप्रस होता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेस्ट इम्पोर्टेंट रोल करते हैं आपको ये सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। अगर दोस्तों बात करें कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका यूज रहता है, कैसे हम लोग को ठीक करता है, तो जो रहता है 90% जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये रिड्यूस कर देता है फीवर, पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन जो रहता है इसको ये ठीक करता है। और जो शतावरी इसमें जो होता है यूज करता है बॉवल ब्लड प्रेशर को, लोअर ब्लड प्रेशर करता है और इंक्रीज करता है ब्लड फ्लो को, और इंक्रीज कर देता है फ्लो ऑफ यूरिन को, और ये UTI में इन्फेक्शन है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और यूरिनरी अल्कलाइजर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब रुक रुक कर आता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बर्निंग सेंसेशन यूरिन, जब पेशाब में जलन होता है, या फिर किडनी का कोई संक्रमण हो, या तो पथरी का समस्या हो, बार बार पेशाब आता हो, तो ये सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। अगर दोस्तों बात करें कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक सब होता है। बट इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करने, पहले यूज करने से ज़रूर इसे सलाह लें, और इसका वार्निंग प्रिकॉशन है इसे ज़रूर फॉलो करें। तो अगर दोस्तों बात करें इसका डोज कितना लेना होता है हमके रिनालका सिरप को, तो ये जो चिल्ड्रेन के लिए अगर ले रहे हैं, तो दोस्तों ये ऐसे नॉर्मल देख रहे हैं, तो चिल्ड्रेन के लिए जो 1 टीस्पून 5 ml दे सकते हैं 2 से 3 टाइम्स डेली अलॉन्ग विथ वाटर। बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपको 5 से 7 साल के ऊपर के जो रहते हैं बच्चे, उनके लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और एडल्ट के लिए 2 स्पून फुल लेना होता है, 10 ml 2 टाइम्स डेली लेना होता है पानी के साथ। अपने डॉक्टर के संपर्क सलाह से ही लेना चाहिए, और बिना डॉक्टर के सलाह से ना लें आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ख़ासतौर से जब बच्चों की बात आती है, तो दोस्तों आपको ज़रूर डॉक्टर से सही से संपर्क करके तब लेना चाहिए। और जो होता है आफ्टर मील या पानी के साथ, या खाना खाने के साथ या पहले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद लेंगे तो बढ़िया काम करता है। अगर इसको बात करें कितना लेना होता है, तो इसका आपको डोज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आपको नीड है। अगर दोस्तों इसका सेफ्टी इंफॉर्मेशन देखें, क्या हमें सावधानियाँ बरतना होता है लेने से, तो हमें इसका स्टोर करना चाहिए कूल एंड ड्राई प्लेस पर,
और ये जो रहता है बच्चों से दूर रखे जो होते हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रहना चाहिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। और इसका डोज ज़्यादा जितना बताया गया उतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें जिससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रेनाल का सिरप के बारे में कि क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।